Hello friends, my name is Julhash. I am the junior faculty of Physiotherapy department in Impact Paramedical and Health Institute. Today we will be discussed about passive movement. Passive movement kya hote hain? Passive movements kin patient ko karwaye jate hain? To hum batayenge ki passive movement wo movement hoti hai jo ek physiotherapist ya external karwata hai patient ko, un patient ko jo freely movement nahi kar pate. ठीक है, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कि शोल्डर में हमारी कौन कौन सी मूवमेंट होती है. सो बेसिकली मीनाक्षी बताएगी कि आपको शोल्डर में कौन कौन सी मूवमेंट होती है हमारी पैसिव मूवमेंट्स. हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी, आई एम परसुइंग पीपीटी फ्रॉम इंपैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट. तो आज हम देखेंगे शोल्डर की पैसिव मूवमेंट. पैसिव मूवमेंट सबसे पहले देखेंगे शोल्डर की मूवमेंट होती कौन कौन सी है. तो शोल्डर पे जो मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और रोटेशन, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन. तो विल स्टार्ट विद फ्लेक्शन. सबसे पहले अपने हैंड प्लेसमेंट देखेंगे हम. अपनी स्टेबिलिटी सबसे पहले प्रेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे शोल्डर पे, ताकि वो एक जगह फिक्स रहे और ट्रिक मूवमेंट ना हो. एंड स्टार्ट विद फ्लेक्शन. हम मूवमेंट अपने फुल रेंज ऑफ मोशन तक कराएंगे. फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. Now adduction and abduction. So this is our abduction and this is adduction. Now rotation, internal and external. So we flex elbow, then internal rotation, external rotation. Okay. Now rigid. Now we adduct the shoulder and flex the elbow. रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन. जो पैसिवली पेशेंट को कराते हैं, जो एबल नहीं होते ये सारे मूवमेंट कंप्लीट करने के ऑन इट्स ओन. ओके, तो ये हमारी पैसिव मूवमेंट्स थी शोल्डर की, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन. ये उन पेशेंट को कराया जाता है जैसे कोई पेशेंट होता है फ्रीली मूव नहीं कर सकते, स्ट्रोक के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट, ये सारे पेशेंट को हम पैसिव मूवमेंट करवाते हैं. थैंक यू.